भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे बाद चंद सेकंड में हुए जमीन दोज। आपको बता दें, नोएडा के सुपरटेक बिल्डर के ट्विन टावर आज दोपहर 2:30 बजे चंद सेकंड में जमीन दोज हो गया। पहली बार अदालत के आदेश पर इतनी बड़ी इमारत को गिराया गया है। इसके लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। आखिरकार जीत आम आदमी की हुई है, जिसने बिल्डर की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाकर भ्रष्ट तंत्र को घुटनों पर ला दिया। आखिर क्यों गिराया गया ट्विन टावर? जी हां, आपको बता दें, ट्विन टावर का निर्माण साल 2009 में शुरू हुआ था। इसमें 950 से ज्यादा फ्लैट्स बनाए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन फ्लैट्स खरीदने वाले कई खरीदारों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के बिल्डिंग के नक्शे में कई बदलाव कर दिए हैं। इसे लेकर इलाहाबाद कोर्ट में 2012 में याचिका दर्ज की गई। इलाहाबाद कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर के निर्माण को अवैध घोषित करते हुए इसे गिराने के निर्देश दिए थे। सुपरटेक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को अवैध मानते हुए इसे गिराने के आदेश दिए। आपको बता दें, ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऊंची इमारत थी जिसे तोड़ा गया है। एक इमारत की ऊंचाई 103 मीटर है, जबकि दूसरी 97 मीटर है। दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचे दो टावरों को गिराने का काम 6 सदस्यीय विध्वंस टीम के लिए सबसे मुश्किलों से भरा था। इसमें एडिफिस इंजीनियरिंग और दक्षिण अफ्रीका स्थित जेड डिमोलिशन के एक्सपर्ट शामिल रहे। आपको बता दें कि ट्विन टावर्स गिराए जाने से पहले एमराल्ड कोर्ट को और ATS विलेज सोसाइटी के रहने वाले लगभग 5,000 से अधिक लोगों को निकाला गया। गैर सरकारी संगठनों ने कुत्तों को बचाने के लिए उन्हें इलाके से बाहर कर दिया। निवासियों को सेक्टर 93 में पाषाण प्रेस्टिज रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अस्थायी तौर पर आश्रय दिया गया। ट्विन टावर डिमोलिशन के चलते नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे दोपहर 2:15 से 2:45 बजे के बीच बंद किए गए। शहर में ड्रोन के लिए नो फ्लाई जोन भी बनाया गया था। देखिए अभी ट्विन टावर के ध्वस्त होने के नजारे।